कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण रायपुर समेत कई जिलों में 7 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस बार लॉकडाउन को लेकर ज्यादा सख्ती बरती जा रही है। सुबह से ही पुलिस एक्टिव मूड में नजर आने लगी है। बिना कारण के घूमने वालों पर सीधे FIR दर्ज की जाएगी। गलियों में नजर रखने के लिए पुलिस ने दर्जन भर ड्रोन भी लगा दिए हैं। लॉकडाउन को देखते हुए विधानसभा और पुलिस मुख्यालयों को भी 28 तक बंद रखने का फैसला किया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सुप्रिया पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। सुप्रिया, जैसा कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर सख्ती बरती जा रही है, किस तरीके से पुलिस प्रशासन सख्ती बरत रहा है और नियमों का जो है उल्लंघन लोगों को करने से रोक रहा है? हम चाहेंगे कि आप कुछ तस्वीरें भी दिखाइए और पुलिस कर्मियों से भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। सुप्रिया, हम आपको दिखाना चाहेंगे ये राजधानी के चेकिंग पॉइंट पर हम खड़े हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैरिकेड्स लगे हुए हैं। यहाँ पर बेवजह लोग जो घर से बाहर निकल रहे हैं उस पर लगातार जो है पुलिस की निगरानी है। हर एक गाड़ी, जैसे कि आप देख सकते हैं, हर एक गाड़ी को रोककर पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है और वाजिब कारण नहीं देने पर उन्हें इसी तरीके से यहाँ पर जो है खड़ा किया जा रहा है और उसके बाद खड़े करने के बाद इन्हें उठक बैठक कराया जा रहा है और ये भी उन्हें प्रॉमिस करवाया जा रहा है कि वो वादा करें कि इसके बाद वो नहीं निकलेंगे। किसी को बिजली बिल पटाना है तो कोई डॉक्टर की पुरानी पर्ची लेकर के घर से बाहर निकलता हुआ नजर आता है। सिर्फ 7 दिन की बात है, लेकिन 7 दिन भी जो है लोगों से सब्र नहीं हो रहा है। आपको बता दूं कि सुबह 6 बजे से 10 बजे तक सिर्फ और सिर्फ अति आवश्यक सेवाओं के लिए ही जो है छूट दी गई है, लेकिन लोग जो है वो मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार जो है पुलिस चेकिंग की जा कर रही है, उसके बावजूद भी लोग निकलने से ही बाज नहीं आ रहे हैं, वो घर पे रहने से जो है बच रहे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो नजारा है वो सामने आ रहा है। इन्हें लगता है कि 6 से 10 बजे के बीच में हम कुछ भी अन्य काम कर लेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो लोग है वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए उप निरीक्षक जो है शत्रुघ्न पांडे मौजूद है, उनसे जाना चाहेंगे लोगों को किस तरह के बहाने सुनने को मिल रहे हैं। कोई बिजली का बिल पटाने जा रहा हूँ, कोई दवाई का पुराना पर्ची लेके आ रहा हूँ उसको जा रहा हूँ लेने। झूठ बोलने का मतलब आदत है, बहाना बना के निकल जाना, ऐसा है। कई लोग जरूरी सेवा है उसको छोड़ रहे हैं हम लोग, और जो लोग बहानाबाजी करके, कोई पैसा छूट गया दुकान में तो ऐसा बहाना करते हैं, तकलीफ होती है। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? और यहाँ पर जो लोग हैं वो निकल रहे हैं, अभी कुछ देर पहले उठक बैठक भी करवाया गया था उनसे, जैसे कि दोबारा अगर वो नहीं मानते हैं तो क्या कार्रवाई होगी? चलानी कार्रवाई करेंगे, अभी समझा रहे हैं, नहीं मानेंगे तो चलान करेंगे और सख्ती करेंगे। और अभी सुबह का नजारा है, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक की तो ये नजारा सामने आ रहा है, लेकिन अगर 10 बजे की बात करें, 10 बजे के बाद वो क्या नजारा होगा? कि एक भी जो व्यक्ति है वो घर से नहीं निकल पाएगा? अब वो समय आने पर देखा जाएगा कैसा सिचुएशन रहता है। सुप्रिया, ये जानने की भी कोशिश कीजिए कि FIR दर्ज करने की बात कही जा रही है प्रशासन की तरफ से कि FIR दर्ज होगा अगर बेवजह घर से बाहर निकलते हैं, तो क्या अभी तक कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं, FIR दर्ज हुई है? जानने की कोशिश कीजिए सुप्रिया। FIR दर्ज करने की बात जो है प्रशासन ने कही थी कि जो बेवजह घर से बाहर निकलते हैं, जो नहीं मानते उन पर FIR दर्ज की जा सकती है। अभी तक किसी पर FIR दर्ज हुई है? किन लोगों पर FIR दर्ज की जा सकती है? जो अनावश्यक घूमते हैं, मस्ती करते हैं, घूम के हंसी उड़ाते हैं, ऐसे लड़के लोग जो हैं, जो असामाजिक तत्व हैं समाज के, उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। और अभी तक की FIR की बात करें तो अभी तक हुआ है? अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अभी समझा रहे हैं, मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो कार्रवाई करेंगे। चलिए शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये रायपुर की कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और जैसा कि संवाददाता सुप्रिया इस वक्त रायपुर के शहरों में जगह जगह की तस्वीरें दिखा रही थी, कुछ पुलिस कर्मियों से भी उन्होंने बातचीत की कि कितनी मशक्कत पुलिस कर्मियों को नियम कायदे कानून को ठीक तरीके से फॉलो करवाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है।